हाय गाइस, मेरा नाम चेतन है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फूड जर्नी विद चेतन। तो गाइस, मैं एक और वीडियो के साथ आपके पास आ चुका हूँ। कुछ ही दिनों पहले मैंने एक न्यू कुकिंग की सीरीज़ स्टार्ट की थी और काफ़ी लोगों ने उसे देखा और काफ़ी लोगों ने इसे पसंद किया। और उसके बाद सबका एक कॉमन क्वेश्चन था, आप जो यूटेंसिल अभी यूज़ कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, वो कहाँ से लिया था। तो उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उन सारे प्रोडक्ट्स की अनबॉक्सिंग करूँ। तो मैं आज जो अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ, जो प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ, वो जो मैं स्पेचुला यूज़ किया था, मैं उसकी अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ। इसे मैंने अमेजोन से मंगाया था और ये FDA एंड SGS कंपनी का है। काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है ये, काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का इसका सामान था। मैंने इसको यूज़ किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, काफ़ी ड्यूरेबल ये प्रोडक्ट है। इसकी पैकेजिंग भी काफ़ी अच्छी है, जैसा कि आप देख सकते हैं, एक अच्छे खासे ब्लैक बॉक्स में आया है और पूरे प्रोडक्ट्स इसके अंदर में पूरे अच्छे तरीके से समा के रखा हुआ है। तो मैं इसको पूरा अच्छे तरीके से अभी अनबॉक्सिंग करता हूँ और पूरे प्रोडक्ट को मैं अभी बाहर निकाल के रख देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें कई अलग अलग तरीके के स्पेचुलास हैं और काफ़ी अलग अलग तरीके के स्पेचुलास हैं और हर स्पेचुला का एक अलग यूसेज है। मैं उसके बारे में आपको पूरे अच्छे तरीके से बताऊंगा। अगर आप पहली बार मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो इसको जाकर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर चुका है तो वो इस वीडियो को पूरा देखिए। मैं अभी इसको अरेंज करता हूँ और इसके बारे में पूरा आपको डिटेल में जानकारी देता हूँ। तो गाइस, मैंने पूरे सामान को अच्छी तरीके से अरेंज करके रख दिया है यहाँ पे। अब मैं इसके बारे में आपको पूरा जानकारी दे देता हूँ। ये जो प्रोडक्ट है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, जो ग्लव्स यहाँ पे दिखाई, ये एक सिलिकॉन का है। इसका मोस्टली यूसेज जब रहता है, जब हम कोई भी गर्म बर्तन रहता है उसको उठाने के लिए अच्छे से आ जाएगा। इसको अच्छे से हाथ में पकड़ के वो गर्म बर्तन को आप कहीं पर भी रख सकते हैं। तो मोस्टली ये उसका काम यही है और ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, ड्यूरेबल है, आपका हाथ भी नहीं जलेगा, ये सिलिकॉन से बना हुआ है। अब इसके बाद जो मैं आपको ये स्पेचुला के बारे में आपको बता रहा हूँ, ये काफ़ी अच्छा है। ये आगे से देख सकते हैं काफ़ी सॉफ्ट है। इसमें पूरा जो आप कोई भी सब्जी बना रहे हैं उसको अच्छी तरीके से फ्राई होता है और मोस्टली पैन में जो रहता है, इसमें जो सॉफ्ट होने के कारण जो पैन में जो चिपका रहता है वो नहीं चिपकता है। आप अच्छी तरीके से उसको क्लीन करेंगे तो अच्छे से स्पेचुला से पूरा निकल जाएगा, साफ रहेगा। और ये स्पेचुला है, ये मोस्टली आप कोई भी सूप बना रहे हैं या दही दाल बना रहे हैं, सांभर बना रहे हैं, उसमें भी आपका यूसेज हो जाता है। बढ़िया है ये भी। और इसका भी जो ग्रिप है वो भी लकड़ी से बना हुआ है, उसका हैंडल। ये है हमारा, कोई भी तेल में आप कोई भी चीज़ फ्राई कर रहे हैं, पूरी हो गया है ना, या फिर कोई भी समोसे हो गए, उसमें ये काफ़ी अच्छा है। और ये जो आप प्रोडक्ट देख रहे हैं, ये वाला जो स्पेशल आप देख रहे हैं, ये मोस्टली जब हम चाइनीज़ में नूडल्स बनाते हैं, नूडल्स उबालते हैं, या फिर कभी बहुत सारे कुछ वेजिटेबल को हम लोग उबालते हैं पानी में, तो उसके लिए ये काफ़ी ये काम आया था, बहुत यूज़फुल चीज़ रहता है। आपने मेरे वीडियोज़ में भी देखा होगा है ना, ये इसको देखा होगा। और ये जो स्पेचुला है, ये आप मेरे वीडियो में देखे हैं, मैंने मिष्टी दही में इसको यूज़ किया था है ना। ये भी आप इसको आप दूध में भी यूज़ कर सकते हैं, सांभर बना सकते हैं, बहुत सारा ऐसे चीज़ में यूज़ होता है। और ये जो स्पेचुला है, ये मोस्टली आप जैसे कि आप रोटी बना रहे हैं, पराठा बना रहे हैं, उसमें भी काम में आ जाता है ना, क्योंकि और फ्राई करने वाले सामान में भी ये भी काम आ जाता है। ये भी मोस्टली रोटी में कोई भी चीज़, सब्जी फ्राई कर रहे हैं उसमें है ना, और फुलके बना दिए उसमें, बना दिए एग रोल बना दिए, उसमें काम आ जाएगा। सबसे ज़्यादा सिंगल बिकने वाला जो चीज़ है, जो स्पेचुला है, वो है ये। ये स्पेचुला वो पहले वाले स्पेचुला से इसलिए डिफरेंट है क्योंकि ये ना पूरा स्ट्रांग है, पूरा कड़क है। वो वाला स्पेचुला आप देखे होंगे, वो सॉफ्ट सॉफ्ट था, सामने से सॉफ्ट था, ये पूरा कड़क है, आप देख सकते हैं सामने से राइट से। और ये पहला वाला यहाँ से जो है, ये पूरा आगे से सॉफ्ट है और अंदर से स्ट्रांग है, पर ये पूरा स्ट्रांग है, ये बहुत अच्छा है, इससे भी पूरा निकल जाता है। और ये जो है, ये ब्रश जो है, इसमें आप रोटी में घी लगाने के काम में आता है, बटर लगाने के काम आता है, ब्रेड में भी लगा दिए है ना, चीज़ लगा दिए, ये उस काम के लिए बहुत अच्छा है। और ये जो है एग बीटर, इससे अंडा फेंटने के, और जैसे कि मैंने जब मिष्टी दही बनाया था उसके में भी मैं इसको यूज़ किया था, उसमें भी इसमें मैंने दही फेंटा था और एग रोल में इसमें मैंने अंडा फेंट के दिखाया था। तो ये जो देख रहे हैं अब, ये मसाला डालने के लिए पूरा जो स्पून हैं, इसमें टी स्पून, टेबल स्पून, सारा चीज़ है इसमें। इसमें आप मिर्ची डाल सकते हैं, नमक है, पूरा नाप के आप यूज़ कर सकते हैं है ना, डाल सकते हैं। कोई भी आपके गरम मसाला हो गया, आप जैसे ये सबसे बड़ा टेबल स्पून है, इसमें भी आप अच्छे तरीके से यूज़ करके पूरा आप डाल सकते हैं, काफ़ी अच्छा है। और एक ही साथ इसको पूरा बंच में रखा गया है, कोई भी घूमेगा नहीं, एक साथ रहेगा, एक ही रिंग में उसको रखा गया है वहाँ पे। बढ़िया है, काफ़ी अच्छा चीज़ है ये।
ये है मोस्टली बहुत यूजेबल चीज़ है जो चिमटा बोलते हैं और ये काफ़ी अच्छा है। ये मल्टीपर्पज यूज में आ जाएगा, जैसे आप कोई रोटी बनाने उसमें काम में आ गया, चिकन फ्राई कर रहे हैं उसमें तले हुए सामान में भी निकल जाएगा, या आप पैन में कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं सूखे वाले में भी यूज़ हो जाएगा, तो घुमाने के काम में भी आ जाएगा। कोई चीज़ हम लोग कोई पूरी भी निकालना चाहते हैं उसके भी ये बहुत काम आ जाएगा और ये काफ़ी सही है और पूरे अच्छे तरीके से फैलता है। इसके नीचे में एक हॉप है, उसको खींच के हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये जो बर्तन देख रहे हैं इसके अंदर में ये सारा प्रोडक्ट इसके अंदर में पूरा समा जाता है, इसको अच्छे से होल्ड करके रखता है काफ़ी, इसको जब देखते हैं काफ़ी सुंदर दिखता है, बढ़िया दिखता है, एकदम बेहतरीन जैसे दिखता है। तो ये सारा प्रोडक्ट मैंने लिया है और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और इसको लीजिए, मैं बोल रहा हूँ बेहतरीन चीज़ है, आप इसको यूज़ कीजिए, आप एक अलग चीज़ फील करेंगे। मेरे चैनल को देखिए, मेरे वीडियो को पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए मेरे चैनल के साथ और आने वाले वीडियो को भी ज़रूर देखिए।